Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. IBPS क्लर्क 2019 प्रीलिम्स में बचे हैं अब बस 2 महीने. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और एरर डिटेक्शन जैसे मुश्किल सेक्शंस भी अब होंगे आसान. करें मेरे साथ इंग्लिश सेक्शन की तैयारी सिर्फ 60 दिनों में. IBPS क्लर्क 2019 के स्पेशल बैच के साथ 9 अक्टूबर से हर शाम 7 बजे. Hello and welcome to Adda 24/7 government job in your pocket. स्वागत है अमानत का, अमित का, सपना का, अंकित का, तनु का, अमित का, दीपक का, शिवानी का, रूपा का, अर्चना का, सीता, शरण का, रेनु का, रुपेश का, मिस्टर नोबडी का, ईश्वर्य का, निकिता का, संबीत का, सौम्या का और ऐश्वर्या, शरावरण का, शिवानी का, सपना राजपूत का, अर्चना कुमारी का. ओहो, इतने सारे नाम इतनी जल्दी पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है. खैर, तुम सभी लोगों का बहुत सारा हम स्वागत करते हैं. फटाफट से मॉक टेस्ट होगा. क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए यू विल गेट 40 सेकेंड्स एंड वी व्हाट इज देयर इन योर पेपर. थोड़ा थोड़ा लीक कर देते हैं यार, चुपचाप से लीक कर देते हैं क्या जा रहा है. थोड़ा सा पेपर में आप लोगों में वो रहेगा, फ्रेज रिप्लेसमेंट रहेगा, मैच द कॉलम भी रहेगा और वन वर्ड आउट भी रहेगा. इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे. आई होप कि आप लोग एकदम बढ़िया से, चौकस से एकदम तैयार हो. ये सेकेंड क्लास है पाठक की. चलो कोई नहीं, सेकेंड हो, फर्स्ट हो, कोनो दिक्कत नहीं है. यू आर वेलकम इन दिस पर्टिकुलर सेशन. क्या आप लोग तैयार हैं टेस्ट के लिए? क्या मेरे स्टूडेंट्स तैयार हैं? हाय हाय हाय, मतलब हाय हेलो सभी लोगों का, अरवली का, सभी का बहुत सारा स्वागत है. आर यू गाइज रेडी? शेयर करो. देखो इतने अच्छे हैं ना ये विवेक, देखो कितना अच्छा है, ये खुद ही से कह रहा है शेयर करो, शेयर करो. ये लोग मेरा काम करते हैं. यू पीपल आर रियली बहुत अच्छे हो तुम लोग. अच्छा, अब कल तुम लोगों का फिर से मॉक रहेगा. जो कल का मॉक रहेगा वो जो पिछली बार IBPS PU आया था उस पर बेस्ड पूरा पेपर रहेगा. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं. और बच्चे मेरे, बिल्कुल स्टूडेंट्स मेरे तैयार हैं. डर लग रहा है एग्ज़ाम को लेकर. डरना कभी नहीं है, कभी नहीं है एग्ज़ाम को लेकर, कभी भी नहीं डरना यार. हम पूरी तरीके से आज एकदम मूड में पढ़ाने के लिए और एकदम हेल्थ वेल्थ मेरी ठीक हो चुकी है बिल्कुल. तुम लोगों ने दुआएं कर करके ना एकदम हमको कर दिया है बेस्ट. बी फॉर भरत, तुम इतने दिनों से कहाँ थे पहले ये बताओ, कहाँ थे तुम, कहाँ थे इतने दिनों से ये बताओ. चलो शुरू करते हैं. और ये रहा आप लोगों के सामने पहला डायरेक्शन. पढ़ना है, समझना है और खुद से करने की कोशिश करनी है. फटाक से देखो क्या करना है सेंटेंस में. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड इज गिवन दैट इज फॉलोड बाय 3 स्टेटमेंट्स. ऑल दिस 3 स्टेटमेंट्स कैरी द गिवन वर्ड. आइडेंटिफाई द सेंटेंसेज इन विच द वर्ड फिट्स टू मेक देम ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल. अब ये सेंटेंस दिया गया है, मतलब ये डायरेक्शन दिया गया है. हमें भी कुछ नहीं मालूम है, जिनको मालूम है बहुत बढ़िया. अब क्वेश्चन आपको देखना है, एक बार समझना है क्या करना है, फिर आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. परेशान होने की तो बात ही नहीं है मेरे क्लास में, कभी चिंता में होना ही नहीं है आपको कभी भी. चलो, वो कैब कमज़ोर है, शिखर का मानना है वो कैब कमज़ोर है. डोंट वरी यार, वो कैब धीरे धीरे ज़रूर इम्प्रूवमेंट होता है. एक साथ अगर चाहो इम्प्रूवमेंट हो जाए तो इम्प्रूवमेंट नहीं होता, धीरे धीरे, ग्रेजुअली ये काम होता है, ग्रेजुअली. सुबह 6 बजे वाला शो होता है, आप ज़रूर, आई होप आप लोग देखते होंगे. अगर नहीं देखते हो तो आप अपने ऊपर और मेरे पर ज़रूर एहसान कर दिया करिए. ठीक है, टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट रहेगी, हर क्वेश्चन के लिए 40 सेकेंड्स लगा दीजिएगा. और ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर, डू इट टेक्निकल टीम. 40 सेकेंड्स का टाइमर, क्या करना आई डोंट नो, फर्स्ट यू ट्राई. सबसे पहले आंसर देखिए कौन देता है. सबसे पहले दिया अविनाश ने आंसर, जो कि गलत है. मानसी रस्तोगी ने दिया है, उसके बाद फिर मिस्टर नोबडी और फिर आंसर्स आने लगे हैं.
टाइम खत्म हो गया और मेरे स्टूडेंट्स के आंसर आने लगे थे। फटाफट से देखते हैं किसने किसने आंसर सही दिया। डी आ रहा है, बी आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। देखो हम कुछ बोले नहीं आज, क्योंकि तुम लोगों ने कमेंट में लिखा था, ये कमेंट में मैम टाइमर तो लगाती हो मगर बोलती रहती हो, तो हमने कहा नहीं, आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। फटाक से उसी दिन, आज देखो बोलेंगे नहीं हम किसी भी टाइमर में, बोलेंगे नहीं आज हम। आज हमने वो लिया है, क्या बोलते हैं उसे, दृढ़ निश्चय करा कि नहीं आज हम बोलेंगे नहीं, ए होगा डी होगा। फटाफट से देखते हैं मेरे स्टूडेंट्स क्या होगा। लिखा हुआ टैक्ट। अब देखो बच्चा, नो डाउट वोकैबुलरी प्लेज अ वाइटल रोल इन योर एग्जामिनेशन। ऐसे आगे भी क्वेश्चन आपको मिसलेनियस मिलते रहेंगे, यू शुड बी फेमिलियर विद ऑल द क्वेश्चन, राइट। अगर यहाँ पर टैक्ट लिखा हुआ, अब एग्जामिनर आपसे करवाना क्या चाह रहा था, आपसे कहा था ये टैक्ट का मतलब मालूम होना चाहिए इसके लिए, उसके बाद आपको ग्रामेटिकली नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये देखना है जो ये गिवन वर्ड है, जो उससे सेंटेंस बनाया गया है, वो ठीक है या नहीं ठीक है। अब इसके लिए आपको उसका मतलब नहीं मालूम है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और मेजॉरिटी को यू कह मतलब नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, मगर हम बताएंगे यहाँ पर, तो हम बताएंगे एग्जाम में कौन बताने आएगा तुम लोगों को। चलो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टैक्ट लिखा हुआ है। टैक्ट का मतलब क्या होता है, विनम्रता। टैक्ट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, विनम्रता। टैक्ट का जो मतलब होता है वो क्या होता है, विनम्रता। जैसे यहाँ पर लिखा है द काइंड जज वॉज टैक्टफुल, यानी वो क्या था, जो काइंड जज था वो एकदम क्या था, विनम्र स्वभाव का था। द काइंड जज वॉज टैक्टफुल वेन ही इन्फॉर्म, जब उस बिल्कुल उसने, जब काइंड जज ने क्या करा, इन्फॉर्म करा, किस तरीके से इन्फॉर्म करा, बहुत विनम्रता के साथ इन्फॉर्म करा। किसको इन्फॉर्म करा, डांसर को इन्फॉर्म करा। क्या इन्फॉर्म करा, ऑफ हर एलिमिनेशन, यानी उसको शो से क्या कर दिया जा रहा है, एलिमिनेट कर दिया जा रहा है, यानी उसको शो से क्या कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। तो द काइंड जज वॉज टैक्टफुल, शी वॉज ब्यूटिफुल, यानी यहाँ पर एडजेक्टिव दिया गया है, ये काइंड जज की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर विनम्र बिल्कुल सही लिखा है, जो काइंड जज था वो क्या था, उसने बहुत ही विनम्रता से क्या कहा, द काइंड जज वॉज टैक्टफुल, विनम्र के साथ क्या कहा उसने, वेन ही इन्फॉर्म द डांसर ऑफ हर एलिमिनेशन फ्रॉम द शो, ये बिल्कुल सही था। चलो आगे देखते हैं, लिखा है दे केम अप विद अ टैक्टफुली टू रीच देयर डेस्टिनेशन इन द फास्टेस्ट टाइम पॉसिबल। गजब का गलत लिखा है, क्यों गलत लिखा है समझना मेरी बात को। यहां पर लिखा था आर्टिकल, दे मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है, वर्ब है, एक्शन बता रहा है, ये क्या है, प्रेपोजिशन है। अब यहां पर क्या लगा हुआ, आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब आगे क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। और यहां पर टैक्टफुली क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब लिखा हुआ है, जो कि एकदम गलत है, क्योंकि वी नो इट वेरी वेल, अगर आर्टिकल दिया गया है, ए एंड द दिया गया है, तो इसके आगे अनिवार्य है, पूरी इंग्लिश में हम जिद्दियाए रहते हैं और हम जिद्दियाए यू रहते हैं कि अगर आर्टिकल दिया जाता है तो आफ्टर दैट वी हैव टू यूज नाउन, और यहां पर नाउन नहीं दिया गया है, ठीक। दूसरी बात, नाउन क्या होता है, टैक्ट। नाउन क्या है, टैक्ट, ये वर्ड जो दिया गया है ये नाउन दिया गया, ये क्या दिया गया है आपको, एडजेक्टिव दिया गया है, ये आपको क्या दे दिया गया है, एडवर्ब दे दिया गया है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है, He had an engaging personality, भैया उसकी जो personality है एकदम engaged, सबको involve कर लेता है अपनी बात में। He had an engaging personality and use, और वो क्या इस्तेमाल करता है, and use tact, यानी कि विनम्रता। इसका मतलब क्या होता है, विनम्रता, अगर गलत लिखा हो तो उसके लिए सॉरी। एंड यूज टैक्ट इन डीलिंग विद हिज पेशेंट्स, यानी कि जब वो ही हैड एन एंगेजिंग पर्सनैलिटी, और वो क्या यूज करता है, विनम्रता से एकदम अपने पेशेंट से क्या करता है, डील करता है। यानी कि ऑप्शन वन और जो थर्ड दिया गया है अकॉर्डिंग टू द वर्ड, ये बिल्कुल सही दिया गया है, यानी जो यहाँ पर आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बोथ वन एंड थर्ड इज योर राइट आंसर। एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार ऐसे वर्ड आते हैं जो हमारे सर के ऊपर से निकल जाते हैं, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, क्योंकि वो मेजॉरिटी को नहीं आते होंगे, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं फटाक से, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। टैक्ट का मतलब क्या होता है, विनम्रता, विनम्रता। अगर हमने बात करी टैक्टफुल की, तो ये क्या हो जाएगा, विनम्र, ठीक। चलो नेक्स्ट वर्ड भी, ओ माय गॉड, इसका भी मतलब नहीं मालूम है, वो मेरा कुछ हो नहीं हो पाएगा अब तो। चलो अंधी बैठा के देखो, चलो अंधी बैठाओ, देखिए कौन कौन सही बैठाता है। प्रशांत क्या हो गया, कल क्लास नहीं हुई थी, दशहरे में नहीं हुई थी। चलो
ए होगा, आंसर दे दिया शुभांशु ने, दे दिया रोशन ने, दे दिया। फटाफट से देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ये लिखा हुआ है एडेज, अब हमको मतलब ही नहीं मालूम है तो हम कौनों कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है फैक्ट या कोई भी सेइंग। इसका मतलब एक ये क्या है, एक नाउन है। एडेज क्या है, एक बच्चा क्या है, नाउन है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसका मतलब होता है विच मीन्स अ प्रोवर्ब और शॉर्ट स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ। इसका मतलब जैसे हम यू कहे तो कोई भी क्या है, फैक्ट या कोई भी जनरल ट्रूथ की जब हम बात करते हैं उसे बोलते हैं एडेज। उसे क्या बोलते हैं, एडेज। कोई भी एक शॉर्ट प्रोवर्ब हो सकती है, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है जो जनरल फैक्ट बताता है उसे बोलते हैं एडेज। ठीक है, यहाँ पर लिखा है डेस्पाइट। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। दूसरी चीज, डेस्पाइट के साथ कभी भी हम ऑफ का प्रयोग नहीं करते, यहां तक कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डेस्पाइट ऑफ नहीं लगता है, डेस्पाइट व्हाट द ओल्ड एडेज सेड, के बावजूद जो ओल्ड फैक्ट है वो क्या कहते हैं। डेस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद क्या कहा गया है, ओल्ड यानी ओल्ड जो फैक्ट है वो क्या कहते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं हम, सेज नहीं पढ़ते, इसको हमेशा हम पढ़ते हैं सेज, ये सेज नहीं होता है। अब आपका जो मन हो वो पढ़ना भैया, गाली मत देना कि ये क्या बताती हो तुम, इसको सेज नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं सेज। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, सेज पढ़ते हैं, इसको सेज नहीं पढ़ते। ओल्ड एडेज सेज आई लाइक टू हैव माई केक, ईट इट एंड देन हैव अनदर पीस, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ अमंग अदर थिंग्स द राइटर इज फेमस। अमंग अदर थिंग्स यानी और चीज़ों के साथ में जो राइटर है वो फेमस है किसके लिए, फॉर एडेजिंग। कभी भी एडेज का एडेजिंग जरंड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। रट लो इस वर्ड को, ये एग्जाम में आया हुआ वर्ड है और बे इंतहा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कभी भी इसका वर्ब क्या आईएनजी फॉर्म यहाँ पर लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका वर्ब क्या आईएनजी फॉर्म, और ना ही कभी इसका हम क्या बनाते हैं, जेरंड बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर एडेजिंग नहीं हो सकता। टायर्ड ऑफ ऑल द सेम ओल्ड सेइंग्स ही एडेज्ड अ न्यू थॉट। ही एडेज्ड कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या बोला, इसमें ना ही कभी भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये तीनों ही क्या हो गए, गजब के गलत हो गए। इसका मतलब क्या होता है, एडेज का मतलब क्या होता है, आई रिपीट, इसका मतलब होता है फैक्ट। और हमने क्या कहा, इसका ना ही कभी ईडी बनाओगे, ना ही कभी वर्ब के आईएनजी फॉर्म बनाओगे, ना ही कभी जेरंड बनाओगे। रट लो इस चीज को, आई बात समझ में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और ही दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन ये दिया गया है, मैच द कॉलम दिया गया है आपको, मैच द कॉलम दिया गया है। जैसे बचपन में मिल जाते थे ना ए और बी और सी, वही तुम लोगों को कुछ करना है, मगर थोड़ा हाई लेवल का है तो थोड़ा बुद्धि में, आपको बुद्धि से काम करना है। जो हमने क्वेश्चन दिया है वो कुछ इस तरीके का नहीं दिया, हम पहले समझा देते हैं आप लोगों को। इस तरीके का क्वेश्चन है, यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट और यहां पर लिखा हुआ है सेकंड, और आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे। ये लिखा है फर्स्ट कॉलम है और ये क्या है, सेकंड कॉलम है। ये लिखा है ए बी सी और ये लिखा है डी ई एफ। आपको बताना है ए के साथ में ई लगेगा या ए के साथ में एफ लगेगा या ए के साथ में डी लगेगा। आपको हमेशा ये क्वेश्चंस ऑप्शन के अनुसार करने होते हैं। टेक्निकल टीम 40 सेकंड्स का प्लीज टाइमर लगा दीजिए। उसका आंसर ओनली वन होगा, चलो फटाफट से देखते हैं यहां पर क्या होना चाहिए। लिखा वी बिलीव इन सर्कुलर रादर, ऐसे पढ़ना नहीं शुरू करना है। व्हाट स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू डू, हमेशा एग्जाम में सॉल्व करना है, रट लेना है, कभी भी ए के साथ में ऐसे लगा के नहीं देखना है। आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व करना है, कभी कोशिश मत करना कि अपना उठाया करना शुरू करे, कभी ऐसा मत करना। ठीक है, अब लगा के देखते हैं हम बी के साथ में ई, क्योंकि पहला मेरा ऑप्शन दिया गया बी और ई, तो हम फटाक से बी और ई देखते। लिखा ऋग वेदा वॉज रिटन मोर देन 3800 ईयर्स अगो, पहली तो गलती दिया हुआ है यहाँ पर। ऋग वेदा के पहले हम दा का प्रयोग हमको करना चाहिए था,
जैसे हमने आपसे मान लो बोला गीता, गीता किसी महिला की बात नहीं कर रहे, होली बुक की बात कर रहे हैं। अगर हमने बात करी गीता यानी होली बुक्स की, अगर जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर हम जिद आते हैं, पूरी इंग्लिश में जिद आते हैं, उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बाइबल तो बाइबल नहीं होगा, द बाइबल होगा, ठीक है। कुरान नहीं होगा, द कुरान होगा। आई बात समझ में के, यानी होली बुक्स के पहले इट इज नेसेसरी दैट वी हैव टू प्लेस डेफिनेट आर्टिकल द। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, बी के पहले द नहीं लिखा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बी के साथ में जितनी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो गलत हो जाएंगे, यानी बी और ई तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। और आपसे इंस्ट्रक्शंस में कहा गया है कि ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली दोनों चौकस होना चाहिए, दोनों ठीक होना चाहिए। तो मेरे स्टूडेंट्स, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्योंकि बी और एफ आ रहा है तो हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये बी और एफ आ रहा है, ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन दो केवल रह गए। अब हमको सी और ई लगा के देखना है। क्या हम देखते हैं ए और अगर हमने लगा के देखा ए और एफ, क्या ए और एफ होगा कि नहीं होगा? तो फटाक से देखते हैं क्या लिखा। वी बिलीव इन अ सर्क्यूलर रादर दैन, बिल्कुल यहां तक की तो सही है। ए के साथ में ई नहीं दिया गया, ए के साथ में एफ लगा के देखना है। ए के साथ में वी बिलीव इन अ सर्क्यूलर रादर देन विच वॉज सो मासिव। रादर के साथ में विच नहीं लगाएंगे हम लोग, ये तो अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है। वी बिलीव इन अ सर्क्यूलर रादर विच वॉज सो मैसिव, बहुत ही ज्यादा मैसिव थी, बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। इट वुड क्रश डिवोटीज अंडर द व्हील्स, यानी पहियों के नीचे इतने ज्यादा लोग हैं कि पहियों के नीचे उनको क्रश कर दे। ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा है, ए के साथ तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता। अब हमने लगा के देखा ए और ई, लिखा ए वाला वी believe in a circular rather than a linear concept of time। rather है, rather के साथ तो हम लोग पूरी इंग्लिश में जिद्दी आते हैं। rather के साथ जो आगे लगता है वो क्या लगता है? than लगता है, पूरी इंग्लिश में हम जिद्दी आ रहते हैं, ठीक है। यानी ये वाला कॉन्सेप्ट सही लिखा हुआ है। अब सी के बाद एफ लिखा हुआ है। द वर्ड जेगोनॉट, जेगोनॉट का मतलब होता है ह्यूज पावरफुल। इसका मतलब क्या होता है? ह्यूज पावरफुल कैसे याद करोगे? जगन्नाथ, जगन्नाथ की इमेज सोच लो, कितने ह्यूज हैं, कितने शक्तिशाली हैं। अभी के अभी सोचो कितने ह्यूज हैं, कितने शक्तिशाली हैं, है ना। तो यहाँ पर याद कर लो जगन्नाथ से, याद कर लो इसको। जगन्नाथ कैसे लिखेंगे बताओ? जगन्नाथ, भैया हम ना लिख पा रहे, हमने ऐसे लिख दिया जगन्नाथ, गलत लिखा हो तो उसके लिए भैया मैं नहीं पता, जगन्नाथ लिख दिया हमने, ठीक है। कैसे याद करोगे? जगन्नाथ एक बार इमेजिन कर लो, एकदम ह्यूज शक्तिशाली। जेगोनॉट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, मगर आप लोग याद कर लो जगन्नाथ। अब यहाँ पर कहा गया सी और एफ। द वर्ड जेगोनॉट वर्ड ओरिजिनली यूज टू डिनोट, जो वर्ड जो जेगोनॉट था इसको हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते थे? टू डिनोट द रथ यात्रा टेम्पल कार, रथ यात्रा के लिए इसका हम इस्तेमाल करते थे। विच वॉज, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होती थी? मैसिव, बहुत ही ज्यादा ह्यूज, बहुत ही ज्यादा विशाल होती थी। इट वुड क्रश डेवोटीज अंडर द व्हील्स, यानी इतनी ज्यादा ह्यूज होती थी कि वहां पर पहियों के नीचे लोगों को भी कुचल दिया जाए, इतनी लंबी चौड़ी क्या होती थी? यात्रा होती थी। आई बात समझ में कि नहीं? यानी कि ये जो हमारा ऑप्शन है ए और ई, बिल्कुल बढ़िया है, चौकस है, कोनो गलती नहीं है, सही लिखा है हिंदी में। वाह शुभांशु, तुमने कह दिया सही तो बिल्कुल सही होगा, 100% ही होगा, बिल्कुल सही। भास्कर जय, यू आर एब्सोल्युटली राइट, 100% ही होगा। यही कॉन्फिडेंस एग्जाम में डेवलप कर लो। शिवानी, सोनी, यू आर बेस्ट। यू आर बेस्ट तो बस समझ जाओ हम आगे क्या कहने जा रहे हैं। एक कमेंट तुम लोग करोगे बेस्ट, तो उसके लिए तुम समझ जाओ हम आगे क्या कहेंगे। बस तुम लोग कर दिया करो वो काम। देखो यार, हमको शर्म आ रही है देख के, मेरे स्टूडेंट्स 500 होने वाले हैं, बस कुछ रह गए हैं, और लाइक तुम लोग देखो, राम राम राम। शर्म तुम लोगों को नहीं आती है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती है यार? बहुत बदतमीज़ हो, हम नहीं कहेंगे लाइक करने के लिए, मत करो। तुम लोग खुश हो जाओ, इसी में खुश हो ना, खुश हो जाओ तुम लोग। अब लो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक्निकल टीम 40 seconds का प्लीज टाइमर लगा दिया जाए हमारे स्टूडेंट्स के लिए। टेक्निकल टीम 40 seconds का टाइमर लगा दिया जाए, और ठीक है, टेक्निकल टीम टाइमर को थोड़ा एडजस्ट भी कर दिया जाए।
समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया है, आहा समय खत्म हो गया। ये तुमने रेड रेड गोले क्यों भेजे बीन टेन? ये रेड रेड यार दिल विल बना के भेज देते तो थोड़ा अच्छा लगता, सब प्यार वाला माहौल हो जाता। ये तुम बेंटेन तुम्हारा क्या है यार, ये रेड रेड गोले तुम क्यों भेज रहे हो? पहले मत मैम शर्माओ मत, ओफो क्या हम शर्मा रहे हैं क्या, कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। अच्छा चलो आगे बढ़ते, ये सब मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स होंगे, मुझे पूरा पक्का यकीन है ये ऑफलाइन वाले स्टूडेंट ना मेरे बहुत शरारती हैं। चलो अच्छा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमेशा हम लोगों को क्वेश्चन मेक श्योर दैट व्हेन एवर यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इट बाय ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है बी और ई, तो फटाक से हम लोग बी और ई लगा के देखना शुरू करते हैं। लिखा हुआ बी में लिखा हुआ है देयर, अरे भैया देयर कैसे हो सकता है, कहो देयर क्यों नहीं हो सकता, कहो क्यों, तो हम बताएंगे इसलिए क्योंकि देयर ये जगह दिखाता है, देयर ये जगह दिखाता है और ये पोजेशन यानी कि अधिकार के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, अधिकार, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है हमने, किसके लिए, अधिकार के लिए। तो यहां पर लिखा है देयर इज अ मास ऑफ फ्लोटिंग रबिश इन द पैसिफिक ओशन वेइंग अराउंड, ये तो गजब का गलत लिखा हुआ है क्योंकि हम वहां पर कहना चाहते हैं कि वहां पर क्या है मास ऑफ, बहुत ज्यादा मास किस चीज का है, ऑफ फ्लोटिंग रबिश यानी बहुत सारा कूड़ा तैर रहा है, यानी गजब का गलत लिखा हुआ है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बी के साथ में जो ऑप्शन जुड़े होंगे वो तो कभी हम कंसिडर कर ही नहीं सकते माई डियर स्टूडेंट्स। और क्यों नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि रूल ने यह सिखा दिया है कि आप से डायरेक्शन में कहा गया है कि वो ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली ठीक होना चाहिए, यानी बी के साथ में ई भी नहीं जाएगा, ठीक है। या नेक्स्ट लिखा हुआ है सी और एफ, इसको पढ़ने हमको करके देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ था बी के साथ में एफ, तो बी के साथ में जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सब वाहियात, वो सब गलत होंगी। क्यों गलत होंगी, क्योंकि बी ग्रामेटिकली गलत दिया गया है, तो ये वाला भी गलत हो गया, ठीक, ये वाला भी गलत हो गया। अब हमने बचा क्या, सी और ई, बढ़िया चौकस बता है, फटाफट लगा के देखो क्या होना चाहिए। तो हम पहले लगा के देखते हैं ए और एफ लगा के देखते हैं, उसके बाद हम लगा के देखते हैं सी और डी। ए और एफ लगा के हमने देखा अ गार्बेज पैच इन द पैसिफिक ओशन हैज, अ गार्बेज पैच इन द पैसिफिक ओशन हैज स्ट्रेच टू ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ द फ्रांस, बिल्कुल हो सकता है, ए के साथ में एफ हो सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा सी और डी हो रहा है, अबाउट 80% ऑफ द प्लास्टिक ट्रैश दैट मेक्स अप द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच is believed to have originated from land-based activities, बिल्कुल सही कहा गया, about 80% of the plastic trash जो है that makes up Great Pacific garbage patch is believed to have originated, कहा गया जो ये कूड़ा करकट आया है वो कहाँ से आया है, is believed to have originated from the land-based activities, जो लैंड पर जो गंदगी हो रही है उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या है गार्बेज हो रहा है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उस पर ही क्या हो रहा है, इतनी ज़्यादा बैड एक्टिविटीज हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये प्लास्टिक ट्रैश हो रहा है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो बढ़िया है, चौकस है, एकदम सही है, यानी हमको अब आगे लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। अच्छा स्टूडेंट्स आपको ये चेक करना है कि आप कितनी जल्दी आंसर्स दे रहे हो, आप कितनी जल्दी आंसर्स दे रहे हो, ये चीज आपको चेक करनी है, गॉट इट। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऑप्शन सही है मैम, हाँ ऑप्शन सी सही है बिल्कुल, जिन्होंने सही करा है तुषार ने सही करा है और नूर नवाज ने सही करा है। मैम आप अपना प्लेलिस्ट बना दो, प्लेलिस्ट है नूर नवाज, मेरा प्लेलिस्ट है, जिदिया गए हैं बेंटन शिवानी, तुम सही कह रही हो, अब जिदिया गया बेंटन, अब सही है महा, अब सही, अब तुम पिंक वाला मत भेजो, तुम रेड वाला भेजो, रेड वाला, हाँ अब बिल्कुल सही है, चौकस है। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग, चलो भैया बढ़े, अब ये क्या करना है, मैच द कॉलम जल्दी से खेलना है तो फटाक से खेलो मैच द कॉलम। टेक्निकल टीम 40 सेकंड्स का लगा दो इनके लिए टाइमर, मस्त का पढ़ाते हो, थैंक यू नूर। सबसे पहले आंसर देखिए कौन देता है, आई एम करेक्ट, यू आर राइट ईश्वर्या, चलो हो गया काम खत्म।
अब देखो यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए। आंसर सबसे पहले दिया है समरा ने, बी होगा। फिर अविनाश ने कहा ए होगा, फिर शिवानी ने कहा ए होगा, मनीष ने कहा ए होगा। चलो फटाफट से देखते हैं, मिस्टर नोबडी का मानना है डी होगा, दीपक का मानना है ई होगा, ईश्वर्या का मानना है ओ ए होगा। चलो अब देखा जाए भैया क्या होगा। हमेशा कैसे सॉल्व करना है हम लोगों को, ऑप्शन से सॉल्व करना है। फटाफट ऑप्शन लगा के देखो, पहला क्या लिखा हुआ है, बी और ई और सी और एफ, यानी कहा गया बी और ई, तो फटाक से लिखते हैं। अनसस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड्स हैव पुश्ड, हैव पुश्ड क्या, हैव पुश्ड आवर ओशंस टू अ पॉइंट वेयर दे मे नाउ बी ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, यानी वो बिल्कुल कगार पर है, कोलैप्स होने की बिल्कुल कगार पर है। और अगर हम बात करें बी और ई, तो बी और ई हमारा बिल्कुल सही है, यहां तक कि सही है। अब हमको लगा के देखना है क्या सी और एफ भी ठीक है, और सी और एफ लगा के देखा। एक बार हम बी को एक्सप्लेन कर देते हैं। अनसस्टेनेबल जो फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं ओवर द लास्ट फ्यू डिकेज हैव पुश्ड, पुश किसको कर रही है, पुश्ड आवर ओशंस टू पॉइंट वेयर दे मे नाउ बी ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, एकदम किस स्थिति पर है, किस कगार पर है, एकदम कोलैप्स की कगार पर है। चलो यहां पर हमको समझ में आ गया बी और ई सही है। सी और एफ लगा के देखना है। ऑल डिस्ट्रॉयज, जो ऑल है वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है द इंसुलेटिंग एंड वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ किस चीज की, द मेरीन एनिमल्स की, एक्सपोजिंग देम, और उनको एक्सपोज करता है, उनको लेके आता है किसके सामने, एक हार्श एनवायरमेंट की तरफ। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया, आगे हमको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। ओवरफिशिंग कैन रेक, यानी इसका मतलब होता है कैन कॉज, रेक का मतलब क्या होता है, इसे क्या पढ़ते हैं, रेक, और इसका मतलब क्या होता है, कॉज हैवॉक टू मैरीन इकोलॉजी, ये पढ़ने की हमको आगे जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, आई बात समझ में, क्या आगे बढ़ सकते हैं, चलो बिल्कुल बढ़ सकते हैं। ए होगा, जिन्होंने कहा था ए उनका बहुत बढ़िया है। अच्छा, जिन्होंने कहा था ए और ई, तो ए और ई हम, क्योंकि ऑप्शन में ई बहुत बच्चों ने आंसर दिया था, तो हम ई जरूर तुम लोगों को लगा के दिखाना चाहेंगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ए और ई लगा के देखते हैं। ओवर फिशिंग कैन रेक हैवॉक टू मेरीन इकोलॉजी एंड कम्प्लीटली आवर ओशंस टू अ पॉइंट, ये क्या है, कम्प्लीटली, सुनो मेरी बात को, ई वाला नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ई कहा था, हम फटाक से एक्सप्लेन कर दे, ई क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कम्प्लीटली, और कम्प्लीटली एक एडवर्ब है, एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें कहीं ना कहीं मुख क्रिया की जरूरत होगी ना, हमें किसकी जरूरत होगी, मुख क्रिया की जरूरत होगी। यहां पर लिखा एंड कंप्लीटली, कंप्लीटली क्या, कंप्लीटली आवर ओशंस, एंड कंप्लीटली आवर ओशंस टू अ पॉइंट, कहीं भी वर्ब नहीं लिखा हुआ है, ये देखो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, कैसे लगा दिया, कैसे लगा दिया, कोनो नहीं हो सकता ये। चलो बढ़ो आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये दिया हुआ भाई साहब बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। चलो टेक्निकल टीम 40 सेकंड लगाओ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज। चलो हटा दें, ऑप्शन डी, निशा तुम्हें बहुत हंसी आ रही है। लीड करना, इसका मतलब होता है लीड करना। दिव्या, तुमको हम नहीं स्किप करने देंगे, तुम अच्छी लड़की हो, कैसे कर देती हो। मिस्टर स्टडी पॉइंट का मानना है, अरे लाइक कर दो भाई साहब, लोग ये क्या लिखे हुए हो, तुम तो हमसे ज्यादा एकदम देसी हो यार। चलो चुप, लाइक करने का मन हो तुम लोगों का, समझ जाओ आगे क्या कहने जा रहे, घूम घूम के तुम लोगों से लाइक करवाएंगे, जिदिया के लाइक करवाएंगे, और तुम लोग जिदिया के लाइक करोगे। चलो अच्छा, बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है एट, ऐसे नहीं बढ़ना है, कैसे बढ़ना, टेक्निकल टीम थोड़ा सा हमको एडजस्ट कर दिया जाए। तो देखो पहला वाला लिखा हुआ है बी और ई, तो फटाफट से हम लोग बी और ई लगा के देखते हैं क्या होना चाहिए। बी लिखा हुआ है शेरिल सैंडबर्ग इज रेस्पॉन्सिबल, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर क्या करने के लिए, फॉर लीडिंग क्या चीज, सेवरल सक्सेसफुल फेसबुक प्रोजेक्ट्स, यानी बिल्कुल यहाँ तक की तो सही दिया हुआ है, इसको कंसिडर मत करना, ठीक है, ये जो ई है इसको कंसिडर मत करना। अब बी के साथ ई लिखा हुआ है, गजब लिखा हुआ है, बी के साथ ई कभी आ सकता है, नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, यहाँ पर लिखा हुआ है नोज,
और टू के बाद कभी कनोज नहीं आएगा, मतलब टू के बाद कभी कनोज नहीं आएगा, आएगा कनौ आएगा, टू के बाद अगर आएगा तो क्या आएगा, कनौ आएगा, टू के बाद कनौ आएगा, जिद्दी आ जाना पूरी अंग्रेजी में, कभी टू के आगे एस या ई एस धोखे से भी नहीं लगा देना, एस या ई एस कभी नहीं आएगा। कहने का तात्पर्य ये है जो भी हमारी ये ऑप्शन से होंगी ई से, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है, और ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचे कौन से हैं, ये दो ऑप्शंस बचे हुए हैं। अब लिखा हुआ ए के साथ में क्या एफ आ रहा है, तो फटाक से हम लोग देख लेते हैं क्या ए के साथ एफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए के साथ एफ कहा गया और सी के साथ क्या कहा गया, डी कहा गया। डी लगा, सी और डी लगा के देखते हैं। इन द हॉल ऑफ फेम ऑफ विमेन ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग एंड पेंटिंग देयर नेम ऑन इट, उसके बाद कहा गया एंड एंडेड अप बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ऑब्टेन अ डिग्री इन वेस्टर्न मेडिसिन इन द लास्ट 80s। अगर हमने आप बात करी सी और डी की, तो क्या सी और डी कभी साथ में आ सकते हैं, क्योंकि पहले वाले में क्या बात कर रहा है, दूसरे वाले का सेंटेंस में क्या बात कर रहा है, जो कि ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली कोई सेंस ही नहीं बना रहा है। कह रहा है इन द हॉल ऑफ फेम ऑफ वुमेन ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग एंड पेंटिंग देयर नेम ऑन इट, अब नेम ऑन इट पेंट कर दिया, अब कह रहा है एंड एंडेड अप बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमन, अरे ये कैसे तुमने कर दिया बिकमिंग, इतनी सारी महिलाएं थी यहाँ पर, वो नेम पेंट कर रही थी और यहाँ पर कह रहे हो बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमन टू ऑब्टेन अ डिग्री इन वेस्टर्न मेडिसिन, बकवास है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब हमने लगा के देखा कि क्या भैया हमारा बी और एफ जा रहा है, तो फटाक से लगा के देखते हैं बी और एफ जा रहा है। शेराइल सैंडबर्ग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग सेवरल सक्सेसफुल फेसबुक प्रोजेक्ट्स दैट हैव, यहाँ पर कहा गया है दैट हैव मेक द सोशल नेटवर्किंग साइज द मार्केट जायंट इट इज टूडे, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, सैंडबर्ग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग, बहुत सारी वो क्या कर रहा है, सक्सेसफुल फेसबुक प्रोजेक्ट्स क्या कर रहा है, बना रहा है, उसकी वजह से हुआ क्या है, दैट हैव मेक द, उसकी वजह से हुआ क्या है, दैट हैव मेक द सोशल नेटवर्किंग जो साइट है एकदम उसको क्या बना दिया है, जायंट, यानी कि बहुत बड़ा बना दिया है आज की डेट में, यानी जो बी और एफ है बहुत चौकस है, बिल्कुल सही है, और बाकी सब क्या दिए गए थे, गलत दिए गए थे। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ा टेक्निकलिटी में एडजस्ट कर दिया जाएगा, 40 सेकंड्स का टाइमर लगा दीजिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, फटाफट से करो, एडजस्ट कर दो प्लीज टेक्निकल टीम हमको, ये भी गलत, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे अविनाश, वहां पर मेड होना चाहिए, लेट मी चेक, मैम साइड क्वेश्चन उसी साइड है क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वापस स्क्रीन पर ला दो हमको, स्क्रीन पर ला दीजिएगा, हाँ एक बार हम वापस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गजब का गलत लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो एफ लिखा हुआ है ये तो तुम लोगों को एक नंबर मिल गया, खुश हो जाओ, क्योंकि गलती एग्जामिनर की है तो तुम लोगों को खुशी खुशी नंबर मिल जाएगा, इसलिए मिल जाएगा क्योंकि हैव के बाद कब कौनो मेक नहीं आ सकता, जिद्दिया के नहीं आ सकता यार, हैज हैव और हैड तो पूरी इंग्लिश में जिद्दियाया होता है, जिद्दियाया होता है, कहता है लेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, तो यहाँ पर कौनो आंसर नहीं होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए जो ये कहेगा ऑफ दीज का एक ऑप्शन होगा जो ये कहेगा कि यानी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है ही नहीं, यहां पर दैट हैव मेक कैसे हो सकता, कभी जिंदिया के नहीं हो सकता, क्योंकि मेक्ड नहीं होगा, यहां पर क्या होना चाहिए, मेड होना चाहिए, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, खुश हो जाओ एक नंबर मिल गया, जो गलत भी करे हो गए तब भी एक नंबर मिल गया तुम लोगों को, खुश हो जाओ यहां पर, ठीक है, यहां पर एरर थी, यहां पर नन ऑफ दीज आंसर होगा क्योंकि ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट था, ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहां पर इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर क्या होना चाहिए, फटाफट से देखते हैं, टेक्निकल टीम जो ऑप्शन नीचे वाला थोड़ा सा दिखा दो, स्टूडेंट्स को दिख नहीं रहा है, टिकर हटा दो यहां से, चलो देखा जाए कितने, हाँ 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 संदीप देखो कितनी डीके जीए गेमिंग्स की हंसी देखो जरा, कितना मतलब खुश हो रहे हो तुम लोग, इतनी खुशी की बात क्या है, एक गलत हो गया तो कितना खुश हो रहे हो, हाँ चलो अब चलो देखते हैं यहाँ पर तुम लोगों पर हम भी ऐसी हंसेंगे, लिखा हुआ है एलिफेंट्स प्रेफर वन टास्क टू द अदर, अब देखो
आंसर तुम लोगों ने ले लो, गलत हो गया अग्रणी, बहुत खुश मत हो तुम लोग। ऑप्शन सिक्स, हाँ ऑप्शन सिक्स मिले हैं तुम लोगों को, तब भी गलत कर रहे थे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को यार। देखो अब फटाफट से हम लगा के देखते हैं, बी और ई से शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए। पहला वाला क्या लिखा हुआ है, बी और ई लगा के देखो, लगा के देखा जाए, बी और ई लगा के देखते हैं। लिखा एलिफेंट्स यूज देयर, एलिफेंट्स भैया क्या क्या यूज करते हैं, यूज देयर फीट, बी के साथ में ई, एलिफेंट्स यूज देयर फीट टू लिसन, दे कैन पिक अप, दे कैन पिक अप, आपसे कहा गया है ई वाला होगा, दे कैन पिक अप जस्ट एज ह्यूमंस, ये तो गलत है, दे कैन पिक अप कोई सामान होना चाहिए उठा सकते हैं, तो ये तो हमारा गलत है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, यहाँ पर आप लोगों को टास्क होना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट लिखा हुआ है, ए के साथ में अगर हमने ई लिखा है तो ए के साथ ई लगा के देखते हैं होगा कि नहीं होगा। एलिफेंट्स प्रेफर वन टास्क टू द अदर, उसके बाद कहा गया जस्ट एज ह्यूमंस, बिल्कुल सही कहा गया है, यानी ए के साथ हमारा ई तो बिल्कुल सही है। देखो लिखा हुआ एलिफेंट्स प्रेफर, एलिफेंट्स क्या प्रेफर करते हैं, वन टास्क टू द अदर, बिल्कुल सही है, जस्ट एज जैसे कि ह्यूमंस करते हैं, ह्यूमंस आर मोस्टली आइदर लेफ्ट हैंड, या तो लेफ्ट होते हैं या तो राइट हैंडेड होते हैं, यानी ए के साथ ई सही है। अब ए के साथ ई सही है यानी कि ये दो ऑप्शन हमारे हो सकते हैं, ठीक है, यही दो ऑप्शंस तो हो सकते हैं, क्योंकि ए और ई तो दिया गया है, वो तो कहेगा हम सातों जन्म साथ रहेंगे, तो यहाँ सातों जन्म तो है नहीं, यानी बी और ई साथ हो जाएगा। तो चलो हम लोग लगा के देखते हैं क्या होगा कि नहीं होगा। अब बी और एफ लगा के देखते हैं, बी और एफ में क्या लिखा हुआ, एलिफेंट्स यूज देयर फीट टू लिसन, दे कैन पिक अप, दे कैन पिक अप क्या, दे कैन पिक अप सब सोनिक रंबलिंग्स मेड बाय अदर एलिफेंट्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द क्राउन, बिल्कुल सही कहा गया है। एलिफेंट्स यूज देयर फीट टू लिसन, वो क्या लिसन करते हैं, दे कैन पिक अप, क्या पिक अप, सब सोनिक रंबलिंग्स मेड बाय दूसरे एलिफेंट्स के द्वारा, जब वो चलते हैं तो आवाज होती है, उसकी बात करी गई है। तो यहाँ पर हमारा बी और एफ जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है सी और डी, तो सी और डी फटाक से देखते हैं। एलिफेंट हर्ड्स आर मैट्रियार्कल with older females taking care of the calves and protecting them while traveling from place to place. With older females क्या करती हैं, taking care of the calves, वो अपने बच्चों का क्या रखती हैं, ख्याल रखती हैं, and protecting them, जब वो लोग क्या करते हैं, traveling करते हैं from one place to another. यानी जो option B है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, जिन्होंने B लिखा था, very good, चौकस। आप next देखो क्या करना है, इन द क्वेश्चन गिवन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन, जो सेंटेंसेस दिए गए हैं अंडरलाइन दिए गए और आपको बहुत आसान से है रिप्लेस करना है, और लेट मी चेक इट आउट सबसे पहले आंसर कौन देता है। तो गेट रेडी एंड ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, आप लोगों की टेक्निकल टीम लगाओ, 40 सेकेंड्स का टाइम है, और देखे सबसे पहले कौन देगा, जिद्या के होगा। हाँ चलो चलो देखा जाए सबसे पहले कौन होगा, मतलब कौन आंसर देगा, टेक्निकल टीम छुपा दो उनको, हाइड कर दो। सबसे पहले आंसर दिया है ई, पोएट्री ने दिया है, पोएट्री टेलिंग राइम। तुम नए हो ना क्लास में, टेक्निकल टीम टाइमर तो सजा दिया है मगर लगा भी तो दो उसको, चला भी तो दो। ए होगा, ए ए ए ए ए मेजॉरिटी ने आंसर दे दिया है। टेक्निकल टीम पर गुस्सा मत करो संबीत, ऐसे गुस्सा दिखाते हो तुम। चलो स्क्रीन पर ला दो वापस, हमारे परेशान कर दो। अब देखो ए होगा, मेजॉरिटी कहती है ए होगा, एकदम से ए होगा, शुभांशु एकदम से होगा। चलो आओ देखा जाए भाई साहब, ए होगा या कुछ और होगा। लिखा नो अदर रीजन इन द वर्ल्ड इलस्ट्रेट्स द क्या चीज, क्रोनिक नेचर ऑफ डिस्प्लेसिंग कॉज्ड बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड क्लाइमेट चेंज मोर देन एशिया एंड पैसिफिक। गजब का गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्निकल टीम स्क्रीन पर आप रख सकते हो,
यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर और यहाँ पर बात कर रहा है एंड क्लाइमेट चेंज. और ध्यान ध्यान से समझना मेरी बात को. इस वेदर का मतलब होता है या तो, और यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं वेदर की, एटमॉस्फेयर कंडीशंस की बात कर रहे हो. इस वेदर का मतलब क्या होता है, या तो यहाँ पर ये तो गलत लिखा हुआ था, ठीक है, यानी ये ऑप्शन तो गलत ही लिखा हुआ है. यहाँ पर ये वेदर होना चाहिए और ये वेदर होना चाहिए. अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. लिखा हुआ है नो अदर रीजन इन द वर्ल्ड इलस्ट्रेट्स अ क्रोनिक नेचर. कोई भी ऐसा रीजन नहीं है, नो अदर रीजन इन द वर्ल्ड जो क्या करता है, इलस्ट्रेट करता है. क्या इलस्ट्रेट करता है, क्या बताता है, द क्रोनिक नेचर ऑफ डिस्प्लेसिंग कॉज्ड बाय. ऑफ के बाद यहां पर किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि हमें यहां पर किसकी जरूरत है, नाउन की जरूरत है. नाउन की जरूरत है तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि क्रोनिक नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड क्लाइमेट चेंज मोर देन एशिया एंड द पैसिफिक, जो कि बिल्कुल सही है. ऑप्शन नंबर वन इज योर राइट आंसर. जिन मेजोरिटी ने हम यू कहे तो बहुत अच्छा आंसर दिया था. आसान वाला तो तुम लोग सब लोग ठोक देते हो, बिल्कुल सही सही कर लेते हो. चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं. और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर. और टेक्निकल टीम 40 सेकंड्स का टाइमर लगा दिया जाए. ओहो के एम आयुष, ये होता है एटीट्यूड. यस वेरी गुड, आई लाइक इट. हाँ बिल्कुल सही है नम्रता, वेरी गुड, वेरी गुड गर्ल यू आर. नेहा खान, अगर आपको इजी लग रहा है तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड गोइंग. चलो टाइम खत्म हो चुका है और यहाँ पर आंसर आ रहा है बी होगा, ओवरडोज रिलेटेड डेथ्स हैव ब्रॉट द स्पॉटलाइट बैक ऑन द ड्रग. चलो बी होगा. और चलो फटाक से देखते हैं, बिल्कुल सही इन स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है या गलत ऑप्शन दिया है. चलो देखते हैं, लिखा हुआ है द रीसेंट इंसिडेंट्स ऑफ ड्रग ओवरडोज रिलेटेड डेथ्स हैज ये किसके लिए वर्ब लगी हुई है, वर्ब किसके लिए लगी हुई है, जल्दी से बताओ. द रीसेंट इंसिडेंट्स ऑफ ड्रग, बात किसकी कर रहे हो, इंसिडेंट्स की बात कर रहे हो ना, द इंसिडेंट इंसिडेंट्स की बात कर रहे हो जो कि बहुवचन है, जो हाल में जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ड्रग के, यानी इंसिडेंट्स है तो आगे आने वाली जो इसकी क्रिया होगी वो बहु होनी चाहिए, बहु होनी चाहिए, तो यहाँ पर हैव होना ही चाहिए. क्या होना चाहिए, यहाँ पर हैव होना चाहिए. और यहाँ पर भी हैव दिया गया, यहाँ पर भी हैव दिया गया, और यहाँ पर हैविंग दिखा हुआ है. चलो हैविंग तो पोजिशन दिखाने के लिए होता है, ठीक है, गलत लिखा हुआ है वो भी. हैज बॉट द स्पॉटलाइट बैक इन द ड्रग. अब देखो समझना यहाँ पर बहुत आसानी से समझो. यहाँ पर लिखा हुआ ओवरडोजिंग रिलेटेड, गलत लिखा हुआ है. अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता था. यहाँ पर लिखा ओवरडोजिंग रिलेटेड, ये भी नहीं होगा. यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ओवरडोज रिलेटेड डेथ्स हैव बॉट द स्पॉटलाइट बैक ऑन यहाँ पर लिखा हुआ है और बैक ओवर द ड्रग लिखा हुआ है. तो बैक ऑन का मतलब ध्यान से समझ लो क्या होता है. बैक यहाँ पर हम लिख देते हैं समथिंग इंपॉर्टेंट, इसका मतलब क्या होता है, समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है. बैक ऑन का मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है बैक ऑन, तुम लोगों को लाइन खींच के दिखा देते हैं. यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए लिख दिए. देख लो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ पर होता है टू पुट द स्पॉट लाइट ऑन समथिंग मीन्स टू हाईलाइट इट. ये हमने आप लोगों के लिए लिख दिया क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या पता एग्जाम में यही आ जाए. हाँ टेक्निकल टीम, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरा बढ़िया से एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको रट लेना. टू पुट द स्पॉट लाइट ऑन समथिंग मीन्स टू हाईलाइट इट, ठीक है. चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे. हो मैम का, कृष्णा का मानना है मैम मेरे बुक का सजेशन आपने नहीं दिया. बुक का सजेशन मतलब हम नहीं समझ पाए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट से पढ़ लो क्या करना है यहाँ पर, फटाफट से देख लो क्या करना है. चलो ये रहा क्वेश्चन, रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना शुरू करो. चलो टेक्निकल टीम 40 सेकेंड्स का टाइम इन लोगों के लिए लगा दो. कृष्णा तुम्हें क्या चाहिए, क्यूट, तुम्हारा नाम बहुत क्यूट है.
पीडीएफ मिल जाएगी? ये आसान क्वेश्चन है, तुम लोग कर लोगे वैसे, हमको पता है। यहाँ पर वर्ड बताओ क्या होना चाहिए। आई विल बी वेटिंग। ए बी सी डी हम नहीं सुनने वाले, तुम लोग वर्ड बताओगे यहाँ पर क्या होगा। बी होगा, आंसर दिया है सुभांशु ने, हमको वर्ड बताओ क्या होगा। कृष्णा भैया बोलो तो क्या कह रहे हो, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव रमेश। बी होगा, हम ये नहीं सुनने वाले, बी होगा, डी होगा, ये क्या बता रहे हो, वर्ड बताओ क्या होना चाहिए। वो तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, तुम लोग ने बोल दिया होगा। हाँ लेंगे, वो 6 AM वाली क्लास लेंगे, कल होगी, बिल्कुल होगी, डेली होती है। बी होगा, बी होगा, हाँ हम समझ रहे हैं, बी होगा, डी होगा, परंतु होगा क्या वहां पर ये तो बताओ। एक ने लिखा बी होगा, सब ने छाप दिया बी होगा। चलो 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 देखते हैं। वाइब्रेट होगा, राजीव ने बताया है, अभिनव ने बताया, प्रणोति ने बताया, और बाहर लगा दी। बहुत अच्छे बच्चे हो। माइक्रोवेव हीट्स फूड, माइक्रोवेव हीट्स फूड बाय कॉजिंग द मॉलिक्यूल्स टू वाइब, उनको हिलाते हैं, मतलब वो होता है संकंप बोलते हैं शायद हिंदी में, जो हिलता है ना उसे बोलेंगे वाइब्रेट, बट इट सर्टेनली डज नॉट मेक फूड रेडियो एक्टिव एज अ मिसकॉन्सेप्शन। यहाँ पर वाइब्रेट का मतलब होता है बैकबोन की बात करी जाती है, बैकबोन रीढ़ की हड्डी, जो कि यहाँ पर हमने आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर जो वर्टिब्रेट लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है एन एनिमल ऑफ अ लार्ज ग्रुप डिस्टिंग्विश्ड बाय पोजिशन ऑफ अ बैकबोन और स्पाइनल कॉलम को, जो इनके जो एनिमल्स होते हैं जिनके बैकबोन होता है यानी रीढ़ की हड्डी होती है, उनके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो होता है वर्टिब्रेट। ये यहां पर नहीं होगा क्योंकि यहां पर बात कर रहे हो और माइक्रोवेव हीट्स फूड बाय कॉजिंग द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में क्या होता है थोड़ा सा मूवमेंट होता है, तो यहां पर क्या होना चाहिए वाइब्रेट, बट इट सर्टेनली डज नॉट। ये हो गया आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों के सामने रीअरेंज करना है, और सबसे पहले रीअरेंज देखे कौन करता है, कंपन होना, प्रियेश वेरी गुड, कंपन होना, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहां पर देखते हैं विशाल, थैंक यू सो मच, और फटाक से देखते हैं टेक्निकल टीम टाइमर लगाएगी और सबसे पहले आंसर दे देगा, वहीं पर हम टाइमर को स्टॉप कर देंगे। सबसे पहले आंसर देखे कौन देता है, चलो सबसे पहले देखे आंसर कौन देता। माई नजरे आर ओनली ऑन द कॉमेंट, चलो वन, वेरी गुड, देखे सबसे पहले अभी कौन देता है, राजेश कुमार, थैंक यू फॉर नोटिसिंग दिस थिंग। सबसे पहले आंसर दिया पोएट्री टेलिंग राइम्स ने, फिर उमा तुम बहुत देर में आई हो आज, चलो हो गया, दीपक ने उसके बाद आंसर दिया है। सबसे पहले पोएट्री ने दिया है, उसके बाद उमा ने दिया है, उसके बाद प्रणीति ने दिया है, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो टाइमिंग्स जान लें क्या होती है, सुबह 6 बजे एक शो आता है जहां पर हम वोकैबुलरी और स्पेशल रूल पढ़ाते हैं, एक बार जाके जरूर देख लेना, हर दिन ये शो आता है, जरूरी है आप सबका देखना। और 2 PM पर TTS क्लास आती है यानी ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे आती है, इसके अलावा 8 PM पर क्लास आती है जहां पर आप हम लोगों से, जहां पर आप रोज जुड़ते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो क्योंकि, और कल की क्लास में हम IBPS PO का जो पिछले साल का पेपर था ना वो डिस्कस करेंगे, तो जरूरी है जुड़ना, कल 30 में 30 आप लोगों को लेके आने नंबर है, ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। चलो देखते हैं यहां पर क्या होगा। बस देखा, हाउएवर द यूपीएससी डिसाइडेड टू गेट द गाइडलाइंस, हाउएवर द यूपीएससी डिसाइडेड टू चीटिंग द नॉर्मल कॉन्सिक्वेंसेस डिस्क्वालिफिकेशन इफ एन एबल बॉडीड स्टूडेंट्स एंगेजेस इन गेट द गाइडलाइंस, कैसे अप्रोच करना होता है क्योंकि अप्रोच एग्जाम में जरूरी होता है ना। सबसे पहला काम आपका ये होता है जब सेंटेंस रीअरेंजमेंट करोगे, ये तो ऑप्शन से है मगर ऐसे नहीं करना पड़ता है, वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा, सारे सेंटेंसेस पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको बनाना पड़ेगा जोड़ा, जोड़ा बनाना पड़ेगा। जब आप जोड़ा बनाते हो ना, जब आप रीडिंग कर ही रहे होते हो, आपको ये अंदाजा हो जाता है कौन सा सेंटेंस क्या होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है। अब हमने ऑप्शंस भी देख लिए, यहां पर लिखा हुआ है डी से फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, इफ एन एबल बॉडीड स्टूडेंट इंगेजेस इन, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि ये सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, कहीं किसी पर डिपेंडेंट नहीं लग रहा है।
हमने डीडी को छोड़ दिया, अब हमने कहा सी कॉन्सिक्वेंस इज हिज डिसक्वालिफिकेशन, इज हिज किसी की बात कर रहा है, यानी ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है. अब नेक्स्ट कहा गया ए ए, हाउएवर द यूपीएससी, हालांकि यूपीएससी ने डिसाइड करा, यानी कोई बात कही गई होगी इसलिए यहाँ पर हालांकि ऐसा कहा गया, यानी कुछ बात पहले कही होगी तभी तो कहा गया, यानी ये वाला ए सेंटेंस भी नहीं होगा. अब हमारे पास बचे दो ऑप्शंस, बचे दो ऑप्शंस में हमने फटाफट से लगा के देखा क्या होगा. यहां पर हमको ये चीज आइडिया मिल गया है कि ए और ई सातों जन्म साथ में होंगे. अब ए और ई सातों जन्म साथ में इसलिए होंगे हालांकि द यूपीएससी डिसाइडेड टू, टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए जो कि यहां पर क्या लिखी हुई है, हाउएवर द यूपीएससी डिसाइडेड टू गेट द गाइडलाइंस चेंज. उसने क्या डिसाइड करा है कि गाइडलाइंस को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, यानी ए और ई सातों जन्म साथ रहेगा. अब किस ऑप्शन में ए और ई दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है, यहां पर हमारा क्या दिया गया है, ए और ई दिया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा. अब आपको एक बार लगा के देख लेना है. कहा गया इफ एन एबल बॉडीड स्टूडेंट इंगेजेस इन, इंगेजेस इन चीटिंग, बिल्कुल सही लिखा, इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद अगर क्रिया होती है वो किसमें होती है, हमेशा आईएनजी फॉर्म में होती है. इन क्या, स्टूडेंट इंगेजेस इन किसमें, चीटिंग में. चलो द नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस इज, नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस है इज हिज डिसक्वालिफिकेशन, हाउएवर द यूपीएससी डिसाइडेड टू गेट द गाइडलाइन चेंज, यानी जो ऑप्शन नंबर है वो है वो बी इज योर राइट आंसर. तुम लोगों के कितने क्वेश्चन गलत हुए ये कॉमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन गलत हुए. फटाफट से लाइक तो एक बार कर ही दो, जाते जाते अपने ऊपर एहसान कर दो और मेरे पर भी एहसान कर दो यार, जल्दी से लाइक कर देना. शेयर तो तुम लोग करोगे नहीं और हम कहेंगे भी नहीं शेयर करो, मन हो तो कर देना वरना नहीं करोगे, हमको पता है तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, शेयर नहीं करते हो क्योंकि. अच्छा स्टूडेंट्स लाइक कर देना तुम लोग, फटाफट से लाइक करना, तो हम जिदिया जिदिया के तुम लोगों के पास ऐसे मार के तुम लोगों से करवाएंगे. चलो अच्छा, थैंक यू तुम लोगों ने इतना सारा लाइक करने के लिए, बहुत सारा तुम लोगों को धन्यवाद. कल मिलते हैं हम लोग अपने सेशन में, अपन लोग सेशन में मिलेगा 6 बजे मिलेगा. 6 बजे आने की जरूरत नहीं होती, सोया करो, जगते हो, जो कुछ भी करते हो करा करो, पूजा पाठ करा करो, बच्चे हो तुम लोग, और रिकॉर्ड मोड में देख लिया करो, जब मन चाहे देख लिया करो. अगर 2 बजे वाली, 2 बजे सोते हो तो मत देखा करो, उसको भी बाद में देख लिया करो, मगर 8 बजे वाली क्लास में तुमको आना जरूरी है. मार के तुम लोगों को बुलाएंगे, मगर बुलाएंगे जरूरी है, आना है तुम लोगों को तो आना है. पीओ तक की मेहनत करनी है तो करनी है जिद आके. कल का पेपर का जो लेवल रहेगा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा, थंबनेल में हम लिख भी देंगे मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा थोड़ा सा, तो थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आना, कोई बात नहीं. ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, ठीक है. चलो बढ़ते हैं, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर इमेंस लव. इसके अलावा अगर अभी तक आप अड्डा 24/7 पे स्टोर पर नहीं गए तो एक बार चले जाओ, कुछ भी जरा से खरीद लोगे ना तो मौका मिल जाएगा, तो कुछ भी खरीद लो, जाके सस्ता सस्ता खरीद लो तो एक बार मौका मिल जाएगा, क्या पता कुछ मिल जाए तुम लोगों को इस तरीके का लैपटॉप और आईफोन, ऐसा अट्रैक्टिव चीजें हैं ना, हो सकता है मिल जाए, क्या जा रहा है. इसलिए थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर इमेंस लव, बहुत सारा तुम लोगों को प्यार, और कल के क्वेश्चन हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रहेगा. और अपना ख्याल रखना और बहुत सारी मेहनत करो जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, बस आप लोगों का सिलेक्शन लेना दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू अर्चना, शिवानी, शेरीन और अर्जू, अभिनव, मनोरंजन, दीपक, विशाल और क्रेसर वाल भारद्वाज, आप तुम नए आए हो शायद इस सेशन में, सुप्रिया, श्वेता, कार्तिक, तुषार, अर्जुन, अनुराग, तुम लोगों का बहुत सारा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट. हेलो स्टूडेंट्स, मैं राधे, नहीं, जिस नाम से आप मेरे को जानते हैं, राधे की रीजनिंग. लगातार 10 साल से मैं रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 4 साल से ऑनलाइन लाइव क्लासेस में राधे की रीजनिंग में हजारों बच्चों ने अपनी रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग किया और अपने एग्जाम क्लियर किए. तो अब मैं आ रहा हूँ अड्डा 247 पर सुपर एजुकेटर के रूप में राधे की रीजनिंग बैच लेकर. अब नहीं होना है परेशान, बनाना है रीजनिंग को आसान, चाहे हो पजल्स, इनपुट आउटपुट या लॉजिकल रीजनिंग, आपको ज्वाइन करना है राधे की रीजनिंग. राधे की रीजनिंग सुपर एजुकेटर ऑन अड्डा 247. हर खबर है जरूरी, चाहे वो हो देश दुनिया की या फिर खेल मनोरंजन की, हम बताएंगे हर खबर फटाफट. करंट अफेयर्स, चाहे हो एसएससी रेलवे में आने वाले या फिर बैंकिंग में, हम देंगे हर खबर फटाफट एसएससी अड्डा पर रोज सुबह 6 बजे.